मेहदी हसन और बेगम अख्तर, आपको कौन ज्यादा पसंद है? ये नहीं कहा जा सकता। ये आपने बहुत क्लिष्ट प्रश्न कर दिया, क्योंकि दोनों हमें पसंद हैं, दोनों नायाब हैं। आप वैसे ही कह रहे हैं, लाल और हीरे में कौन पसंद है आपको? लाल भी कीमती है, बेशकीमती, और हीरा भी। दोनों की कोई एक पसंदीदा चीज जो आपको लगता है कि सुनानी चाहिए? बेगम अख्तर की मैं सुना रहा हूँ। हालांकि मेहदी हसन खान साहब ने कहा था, एक बार 15 अगस्त का प्रोग्राम था और बॉर्डर पे ही कार्यक्रम रखा गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फनकारों का, तो बेगम अख्तर साहिबा को सुनकर मेहदी हसन खान साहब ने कहा कि ये नाचीज आपकी जूती के भी बराबर नहीं है। मेहदी हसन खान साहब, अब उनकी बातों से आप आकलन लगाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन बड़ा छोटा है। ये उनकी महानता भी हो सकती है, या फिर वो अपनी दृष्टि से सोचकर बोल रहे हैं। बिल्कुल। मेरे हम नफस अभी जो वायरल हुआ है, जी जी जी, मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगान दे, मैं हूँ दर्देश्क में जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआन दे, मेरे हम नफस मेरे हम नवा। ये हो गया गजल बेगम अख्तर साहब। और मेहदी हसन साहब का? मेहदी हसन साहब का है, अब के हम बिछड़े तो शायद ये राग। इसके भी एक वाक्य है, वो गाड़ी से जा रहे थे स्वर मंडल अपना कैसे थे भूपाली राग में कुछ, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। इस गजल को गाने जा रहे थे तो गाड़ी के उठक बैठक से शुद्ध धैवत जो है उतर करके कोमल धा हो गया, तो सारे ग प ध के जगह हो गया सारे ग प द द द पद सारे द पद ग पद ग द बगरे द सारे गरे गरे सा। भूपेश्वरी रागनी बन गई, जो कि 72 थाटों में से है, दक्षिण भारत के 72 थाटों जी, में जी। ये उत्तर भारत के 10 थाटों में राग नहीं है, ये 10 थाटों में नहीं, वो 72 थाटों में से है, हनुमत तोड़ी आदि आते हैं उसमें। मैं दक्षिणी गायकी का भी खुला ने रे ने ते रे रे ने रे 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 ने रे ते ने रे रे ने रे रे ते रे रे ने, तो ये वहाँ श्रुतियों का गगरी सा मगरी सा नी सा नीरी सा नी सा गगरी गरी सा नीरी सा नी धनी सा री सा नी सा गरी सा, तो रे को री वहाँ कहा जाता है और श्रुतिबद्ध गायकी है। तो मेहदी हसन साहब ने इसी में गाया था कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, क्या बात है। अब के हम बीच, ये शुद्ध मत है जो अलापचारी मेहदी हसन खान साहब की गायकी को मैंने इसलिए चुना, वो कृष्ण मत का प्रयोग करते थे और शिव मत का प्रयोग करते थे। मिले शिव भगवान प्रलय में इसका अलाप लेते हैं, इसका अलापचारी शिव भगवान के लिए फेमस था, जिसको मेहदी हसन साहब बोलते हैं अपनी गजल में कि शिव जी के लिए प्रचार में था शुद्ध मत। और जब आप भक्ति संगीत की तरफ आते हैं जी, जो जो आपकी वेशभूषा देखकर जिसको सबसे पहले लगता है कि भक्ति संगीत में तो ये जरूर पारंगत होंगे, ये बात अलग है कि आप सब में पारंगत हैं। भक्ति संगीत में क्या कुछ गाते हैं आप, क्या कुछ आपको पसंद है ज्यादा? सूफियाना गाता हूँ जी, और भजन गाता हूँ, हर प्रकार का गाना मुझे पसंद है भाई, हर गाना पसंद है, क्योंकि जो गाना है वो सुर में है और सुर ईश्वर है। तो कोई भजन कोई कव्वाली? प्रेम भटिका मधवा पिलाई के, प्रेम भटिका, मैं अपने रंग में गाने की कोशिश कर रहा हूँ, मधवा पिलाई के मतवारी कर दे निरे, मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के खुसरो रैन सुहाग की, मैं जो जागी पी के संग तन मोरा मन पीवू की,
मैं तो जागी हो मैं तो रंगी एक ही रंग है रे मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। और भक्ति संगीत में कुछ भजन में कुछ राम का भीमसेन जोशी जी ने गाया जी 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 राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान इसमें मिश्र प्रयोग गुणगान करिए राम का। देखिए मैंने पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दिया था कि आपको सुनते जाएं तो लगता है कि और सुने और सुने और सुने, तो इसलिए आप मैं सुनाने में थकता नहीं क्योंकि 2-3 घंटे में तो ऐसा रियाज है कि गला ही गर्म होता है। क्या बात। आपसे अगर किसी एक शास्त्रीय राग के बारे में कुछ सुनना चाहूं, बिल्कुल, जो आपका कोई पसंदीदा शास्त्रीय राग हो, हाँ, थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं भी तो बहुत आनंद। मेरा मिजाज वीर रस का है, मैं दरबारी ज्यादा पसंद करता हूं। अरे वाह, वीर भाव का मिजाज है तो दरबारी जो है इसमें ख्याति तानसेन बाबा को मिली जी। बाबा तानसेन ने इसमें ख्याति प्राप्त की। दीपक राग भी कहते थे लेकिन दरबारी में दीपक राग दुर्गा नेत्र ते प्रगट भयो भैरव राग शंभुमुख से प्रगट शंभुमुखते प्रगटायो है। और केदार राग कृष्ण भगवान ने गायो और कान्हड़ा राग तानसेन ने सुनायो है, ऐसा व्याख्या आती है पुस्तकों में। रे रे ते रे 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 इसका जो गांधार है और देर कुछ लोग लगाते हैं, हमारे गुरु जी बताए जे रे रे ना जैसे गाय रंभा रही हो ने रे गा रे ने रे धनी परे धरे धनी मामा परे सा। ये दरबारी गजब तेरी दुनिया मालिक गजब तेरी दुनिया मालिक जो जाने सो गुणी कहावे जो बिन गुण निर्गुणिया मालिक गजब तेरी दुनिया दधनी सधनी मणि दधनी पम पनी मणि नि पम प गम प गम रे सधनी पम म प दधनी रे स गजब तेरी दुनिया मालिक। ये दरबारी। कोई फिल्मी गाना दरबारी पे जो बना हो आपको याद आता हो? हाँ, बिल्कुल, सांसों की माला पे सुमरी में फिल्मी गाने जी 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 इसका माध्यम सामा को सा मानता हूँ। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। ये जो आजकल की गायकी है मानस दास जी, जो हम देख रहे हैं, जो बॉलीवुड का गाना है, निश्चित तौर पर उसके शब्दों को लेकर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नाराज रहता है, आपत्ति जताता है कि गानों के बोल बहुत हल्के होते गए। लेकिन कुछ अच्छे कंपोजिशंस भी आते हैं और कुछ गाने अभी भी ऐसे होते हैं जो लगता है कि नहीं यार, इसमें बहुत आराम से ठहराव के साथ संगीतकार ने जो है वो मेहनत की है। आपको कौन से ऐसे लोग हैं इस वक्त मौजूदा समय में? अरिजीत सिंह ने क्लासिकल सीखा, बेसिकल उसको लगा अरिजीत सिंह को,
उन्होंने समझा कि भाई मैं नाम भले कमा सकता हूँ लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो गए पंडित अजय चक्रवर्ती जी से उन्होंने तालीम लिया जी। एक वीडियो वायरल हुए थे कौशिकी के साथ हो गा रहे थे, तो जो सीखे हुए लोग हैं शंकर महादेवन हो गए, ये लोग अभी भी बुनियाद को कायम रखे हुए हैं। तो शंकर महादेवन का कुछ अगर आप सुनाएं, शंकर महादेवन का वो सुना दे रहे हैं। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसकी वही दर्द दो दर्दी अंबर पुकारे दा 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 रे दा 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 रा तेरा ओ देवा श्री गणेशा। और अरिजीत सिंह जो बहुत गाना उनका हिट हुआ पिछले दिनों, हाँ अरिजीत सिंह ने गाया है भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, ये गाना अच्छा लगता है। हाँ और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप जब अकेले बैठे हुए हैं और आपने व्यस्त समय से अपनी दिनचर्या से खाली बैठे हुए हैं तो गुनगुनाते हो आप, जो आपको लगता है? जब मैं खाली बैठता हूँ तो कुछ रचनाएं करता हूँ। अच्छा हाँ, खुद का लिखते हैं? खुद लिखता हूँ। तो वो क्या बंदिश की शक्ल में? बंदिश भी हो सकता है, उर्दू का कोई बंद भी हो सकता है। अच्छा, कोई नज्म भी हो सकता है, कोई गजल भी हो सकती है। जगजीत सिंह साहब की कोई गजल अगर आपने एक तो सुनाई, हालांकि होश वालों को खबर क्या। हाँ उनको सुनाया मैंने। हाँ एक हाँ, कुछ और एक बहुत ही जबरदस्त गजल उनकी लगती है। तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। उनके गाने का अंदाज था, कहाँ से मुड़ जाते थे, सुनने में आसान लगेगा बहुत कठिन गाते थे। ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, मखमली मुर्गियाँ नहीं, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं। वही मैंने जैसा बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, तो अब इंटरव्यू ख़त्म करें इससे पहले सिर्फ दो छोटी छोटी जानकारी चाहूँगा। एक तो ये कि अब जिससे हमने बात शुरू की कि अब दरअसल हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है जी, क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? क्या आप अपनी अपने बच्चों जो बच्चे हैं अयोध्या के उनको सिखाना चाहते हैं? कुछ को आप सिखा भी रहे हैं मुझे आपने बताया, किस तरह से जो आपकी ये प्रतिभा सामने निकलकर अचानक आई है उसका विस्तार कैसे हो, कैसे ये बहुत लोगों तक पहुँचे, और आपका जो हुनर है जो आपकी साधना है वो हम सब लोग के अलावा दुनिया भर तक पहुंचे, उसका क्या प्लान है? सबसे पहले मैं अपना बुनियाद मजबूत करना चाहता हूं जी। अवधी घराना मृदंग से नवाजा स्वामी श्री पागलदास जी ने, इसके बाद कंठ गायन प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया, तो मैं चाहता हूं कि पहले पूरे अयोध्या को संगीतमय बनाया जाए, इसके बाद बाहर से जो आएंगे उनको भी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। अयोध्या घराने को लेकर मैं आगे बढ़ा हूं। और बस आखिर में अगर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क्या बात। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। क्या बात है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी शुभकामनाएं, हमारी संस्था की तरफ से शुभकामनाएं, आप अयोध्या में संगीत के प्रचार प्रसार को लेकर। जाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, जरूर जरूर, कि राग नहीं सुर नहीं तो असुर होगा, सुर नहीं तो असुर होगा, लय नहीं तो प्रलय होगा, आलाप नहीं तो विलाप होगा। क्या ये पूरे भारत को समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आप। जय श्री सीताराम। तो आपको शुभकामनाएं, और कहीं भी जहां हमारी जरूरत हो हम आपके लिए हाजिर हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें।
इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।